HPLP bypass system, हिंदी लेक्चर। यह लेक्चर स्टीम पावर प्लांट सिस्टम के बारे में लेक्चर सीरीज है, उसका एक हिस्सा है। यह लेक्चर ऑपरेटिंग स्टाफ के लिए यूजफुल, उपयोगी हो सकता है। यह चित्र मेन स्टीम, कोल्ड रीहीट स्टीम, हॉट रीहीट स्टीम और HPLP बाईपास सिस्टम को दर्शाता है। मेन स्टीम, कोल्ड रीहीट स्टीम, हॉट रीहीट स्टीम के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम HP और LP बाईपास सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये वही चित्र है लेकिन इसका आकार थोड़ा बड़ा है। इसमें हम देख सकते हैं कि HP बाईपास सिस्टम जो है उसमें एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है, उसके बाद एक स्प्रे वाटर वाल्व है जो स्टीम को डी सुपर हीट करने के काम आते हैं। HP बाईपास सिस्टम जो है मेन स्टीम लाइन और कोल्ड रीहीट लाइन को आपस में कनेक्ट कर रहा है। आप ये भी देख सकते हैं कि HP बाईपास सिस्टम जो है हाई प्रेशर टरबाइन को बाईपास कर रहा है। इसी तरह जो LP बाईपास सिस्टम है उसमें भी एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है, उसके पश्चात यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्प्रे वाटर वाल्व है। स्प्रे वाटर जो है स्टीम को डी सुपर हीट करने के काम आता है। LP बाईपास हॉट रीहीट लाइन और कंडेंसेट के LP टरबाइन के एग्जास्ट या कहिए कि कंडेंसर को आपस में कनेक्ट करता है। ये भी कह सकते हैं कि LP बाईपास इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन को बाईपास कर रहा है। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन को दबाएं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। This lecture is available in English language also. HPLP bypass system, high pressure or low pressure turbine bypass system को इसलिए लगाया जाता है ताकि fast startup हो सके और अगर किसी वजह से टरबाइन ट्रिप कर गई है तो उसको जल्दी से वापस रीलोड किया जा सके या उसको वापस ग्रिड पे लगाया जा सके ताकि पावर जनरेटिंग यूनिट जल्दी से लाइन पे आ जाए। HP बाईपास सिस्टम जो है स्टीम को मेन स्टीम लाइन से लेता है और उसको कोल्ड रीहीट लाइन में
डिस्चार्ज करता है। इसमें एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगा हुआ है जो प्रेशर को, स्टीम प्रेशर को रिड्यूस करता है, और एक स्प्रे वाटर वाल्व या डी सुपर हीटर लगा होता है जो स्टीम के टेम्परेचर को डी सुपर हीट करके नीचे लाता है। इसी प्रकार से एलपी बाईपास सिस्टम जो है स्टीम को हॉट रीहीट लाइन से लेता है और उसको डिस्चार्ज करता है कंडेंसर में। इसके लिए इसमें एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगा हुआ है जो प्रेशर को, स्टीम प्रेशर को रिड्यूस करता है। फिर एक स्प्रे वाटर वाल्व लगा हुआ है जो स्टीम टेम्परेचर को डी सुपर हीट करके नीचे लाता है। एचपी एलपी बाईपास सिस्टम का ये फायदा है कि बॉयलर का ऑपरेशन और टरबाइन का ऑपरेशन दोनों ही स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। बॉयलर ऑपरेशन जो है स्टीम टरबाइन के ऑपरेशन पे डिपेंड नहीं करता है। जब एक थर्मल यूनिट फुल लोड पे होती है उस टाइम एचपी और एलपी बाईपास से स्टीम पास नहीं होती है। जब कोई थर्मल जनरेशन यूनिट फुल लोड से कम पे चल रही होती है तो उसकी जनरेटेड स्टीम का कुछ हिस्सा तो टरबाइन से पास होता है और कुछ हिस्सा एचपी एलपी बाईपास सिस्टम से पास होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर बॉयलर के मैक्सिमम कंटिन्यूअस रेटिंग लोड से या बीएमसीआर से 60% पे अटेन होता है। एचपी एलपी बाईपास सिस्टम 5 तरह के महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करता है जिनको हम अगली स्लाइड्स में दर्शाएंगे। एचपी एलपी बाईपास सिस्टम का पहला कार्य, यह सिस्टम बॉयलर और टरबाइन को स्वतंत्र रूप से काम करने देता है स्टार्टअप के समय और शटडाउन के समय। बॉयलर और टरबाइन दोनों स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं एचपी एलपी बाईपास सिस्टम के होने की वजह से। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, एचपी एलपी बाईपास सिस्टम यूनिट को दोबारा लोड करने के काम आता है अगर टरबाइन ट्रिप कर गई हो। टरबाइन ट्रिप होने के तुरंत पश्चात टरबाइन को लोड किया जा सकता है एचपी एलपी बाईपास सिस्टम की वजह से। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य, एचपी एलपी बाईपास सिस्टम बॉयलर के आउटलेट प्रेशर को
कांस्टेंट रख सकता है, जिसको कि डिफरेंशियल प्रेशर सेटिंग द्वारा किया जा सकता है। एचपीएलपी बाईपास सिस्टम में आपने डिफरेंशियल सेटिंग लगा दी। मेन काम यह है कि एचपी बाईपास सिस्टम पे आपने डिफरेंशियल प्रेशर की सेटिंग लगा दी। अगर डिफरेंशियल प्रेशर उससे ज़्यादा हो जाता है तो एचपी बाईपास सिस्टम खुल जाएगा, ताकि वायर का प्रेशर डाउन किया जा सके। एचपीएलपी बाईपास सिस्टम को हाई स्टीम प्रेशर से बचाता है। जैसे कि किसी वजह से टरबाइन ट्रिप हो गई तो बॉयलर का पूरा लोड हट जाएगा और बॉयलर का प्रेशर बढ़ जाएगा। एचपीएलपी बाईपास सिस्टम क्या करता है कि टरबाइन को बाईपास करके जितनी एक्स्ट्रा स्टीम है वो कंडेंसर में डंप कर देता है, जिसकी वजह से बॉयलर प्रेशर बढ़ने नहीं पाता है। ये काम जनरेटर ट्रिप होने के बाद भी हो सकता है, क्योंकि जनरेटर ट्रिप होते ही बॉयलर का प्रेशर एकदम से बढ़ जाएगा, लेकिन एचपीएलपी बाईपास सिस्टम बॉयलर के प्रेशर को नहीं बढ़ने देगा, एक्स्ट्रा स्टीम को कंडेंसर में डंप कर देगा। पांचवा महत्वपूर्ण काम, एचपीएलपी बाईपास सिस्टम तुरंत बंद हो जाता है जब एचपीएलपी बाईपास सिस्टम का प्रोटेक्शन सिस्टम ऑपरेट होता है। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन दबाएं, कृपया सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो।